दीपावली आते ही लोग अपने अपने तरीके से दीपावली सेलिब्रेट करते हैं। वहीं शनिवार को दिल्ली के हौज खास इलाके में बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने लोगों को मिट्टी के दिए बांटे और इन दियों का कलर भी बीजेपी के भगवा कलर में नजर आया। देखिए, सबसे पहली वजह तो ये है कि पिछले 40-50 सालों से हमारी संस्कृति लुप्त हो गई थी। पश्चिम सभ्यता ज़्यादा पकड़ कर रही थी और हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता चली गई थी। जैसे ही हमारे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तो हमारी संस्कृति आप देख रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन जिंदा होती जा रही है और बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे से हर त्यौहार को हर गली में हर मोहल्ले में मनाया जा रहा है। क्योंकि हमारे जो कुम्हार हैं बेचारे गरीब लोग होते हैं, उनका ये बिजनेस होता था। और सबसे बड़ा अगर संस्कृति में भी आप देखो, किसी भी महाभारत को पढ़ो या रामायण को पढ़ो या मंदिरों में देखो तो मिट्टी के दिए ही जलाए जाते थे, ना कि चाइनीज़ का। हम बहिष्कार करते हैं उनकी लाइटों का, हमें अपने दिए का, अपनी संस्कृति को जिंदा करते हुए उनको काम भी मिलता है। और सबसे बड़ा जो मिट्टी के दिए होते हैं इसमें कैल्शियम होता है, आत्मा को शुद्ध करता है मिट्टी का कोई भी बर्तन होता है। और जिस तरीके से हमने बांटा तो ये संस्कृति को जिंदा करते हुए चाइनीज लाइटों का बहिष्कार करते हुए मैं ये कहती हूँ कि आज मोदी जी ने ये दिखा दिया है कि हमारे अपने प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हर गली में हर घर में घर घर जाकर हमारी अपनी सभ्यता को जगाया, हमारी संस्कृति को जगाया है। जब शनिवार को हौज खास इलाके में बीजेपी नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ दिए बांटने पहुंचे तो वहां पर आते जाते लोगों को भी मिट्टी के दिए बांटे गए और इसके बाद लोगों ने बीजेपी के इस पहल को अच्छा बताया। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि बहुत असर होएगा सब पर। और चाइनीज़ लाइट्स को तो मैं तो बहुत बहिष्कार करती हूँ, मैं भी गरीब कुमारों से ही लेती हूँ। जैसे सुमित्रा जी ने कहा, मुझे बहुत इनसे मैं बहुत सहमत करती हूँ। जो भी कुछ भी इन्होंने कहा मुझे बहुत ठीक लगा। ये ज़रूर हम करेंगे और घर घर दिया जलाएंगे और मोदी जी का। वहीं बीजेपी की इस पहल को 2019 के चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि बीजेपी अलग अलग तरीके से अपने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार भी कर रही है। और सब लोगों ने मोदी जी को बहुत सब चाहते हैं, जैसे आपको पत्र दिख ही रहा होगा, तो उस प्रकार से सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और सुमित्रा जी ने घर घर जाके सबको जो दिए हैं, सहयोग मिला है। RW का पूरा सहयोग है, जितने भी आप देख रहे हैं आज, जितने भी यहाँ लोग सारे हैं, तो एक तरीके से पूरी फैमिलीज आज इकट्ठी हो रखी हैं। क्योंकि आज आप लोगों के घर में दिवाली का त्यौहार भी है, कुछ लोग दिल्ली से बाहर भी गए हैं, लेकिन जितने भी मैक्सिमम लोग थे आज वो सब घर के बाहर हैं। क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जो हमारी भारत की संस्कृति है, सुमित्रा जी बोल रही हैं कि दिया चलाने से हमारे घर में शुद्धता आती है, जो भी है वो संस्कृति को जो हमको जागृत करना है, सब लोग हम सुमित्रा जी के साथ, मोदी जी के साथ हम खड़े हैं इस चीज़ के लिए और आगे भी खड़े रहेंगे। और हम चाहते हैं कि मोदी जी 2019 में बहुमत के साथ आएं और घर घर मोदी, हर हर मोदी। बहरहाल इस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दीपावली पर चाइना के सामान का बहिष्कार किया और प्रजापति समाज के लोगों के काम को बढ़ावा दिया। दिल्ली से अपने सहयोगी दीपचंद शर्मा के साथ हरिकिशोर साह की रिपोर्ट, RSony News दिल्ली।